चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। तो हरियाणा रोडवेज की हड़ताल लगातार जारी है और आज हड़ताल का 17वां दिन है। आपको बता दें कि निजी बसों के परमिट को रद्द करने की मांग लगातार कर्मचारी कर रहे हैं। वहीं हरियाणा सरकार अभी इस विषय पर कोई भी सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं है। साफ तौर पर बैठकों का दौर भी देखा था हमने, लेकिन जिस तरीके से बैठक असफल और नाकाम रही, वहीं रोडवेज कर्मचारी को कई विभागों और संगठनों का भी साथ और समर्थन मिल रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। 17वां दिन है आज कर्मचारियों की हड़ताल का, तो लगातार कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं हरियाणा सरकार और कर्मचारी एक दूसरे के आमने सामने अड़े हुए हैं। जिस तरीके से परिवहन मंत्री का बयान भी सामने आया था, उनका साफ तौर पर कहना था कि वो किसी तरीके का निजीकरण नहीं कर रहे हैं और इससे आम जनता को फायदा मिलेगा, रोडवेज कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। वहीं रोडवेज कर्मचारियों का आरोप है कि हरियाणा सरकार रोडवेज का निजीकरण करना चाहती है, जिसके मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। तो जहां हरियाणा सरकार निजी बसों के परमिट को रद्द करने के विरोध में कहती हुई नजर आ रही है कि वो किसी भी हालत में परमिट को रद्द नहीं करेगी, वहीं रोडवेज कर्मचारी भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। ऐसे में रोडवेज कर्मचारियों को कई विभागों का समर्थन मिल रहा है, कई संगठने रोडवेज कर्मचारियों के साथ हैं। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुरेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, क्या कुछ हालात आज देखने को मिल रहे हैं? 17वां दिन है आज कर्मचारियों की हड़ताल का। आज पूरा प्रदेश आज हरियाणा दिवस मना रहा है। वहीं हरियाणा रोडवेज के जो कर्मचारी हैं वो अपनी मांगों को लेकर आज 17वें दिन की हड़ताल पे हैं। उनका उनकी एक ही मांग है कि सरकार ने 720 नई बसों का परमिट दिया है, उसे रद्द किया जाए, क्योंकि जिस तरह से अगर ये आएंगी तो उसमें रोडवेज को घाटा होगा और वो रोडवेज पहले से ही घाटे में। तो उनका ये कहना था कि रोडवेज के बसों में नया जो बस है वो लेकर आए और नई बस खरीदी जाए और पक्की भर्ती की जाए। तो तमाम जो सरकार है उनका यही कहना है कि जो 720 निजी बस है वो उनका अग्रीमेंट हो चुका है, वो किसी भी सूरत में रद्द नहीं हो सकती। लेकिन जो रोडवेज कर्मचारी हैं वो भी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। उनका यही कहना है जब तक ये सरकार 720 निजी बसों के परमिट रद्द नहीं करती है तो उनकी हड़ताल ऐसे ही रहेगी। सुरेंद्र, त्योहारों का मौका है, ऐसे में यात्रियों को कितनी परेशानी हो रही है? जिस तरीके से सरकार पड़ोसी राज्यों की मदद ले रही है, निजी बसें चल रही हैं सड़कों पर, क्या यात्रियों को अभी भी घंटों इंतजार करना पड़ता है या थोड़ी राहत? जी, राहत देने वाली तो बात ये है क्योंकि जो उन्होंने आउटसोर्सिंग के जरिए भर्ती की है उसके बसें तो कुछ चल रही हैं, लेकिन जिस तरह से प्राइवेट बसें हैं उनका भी सहारा लिया गया है। जो यूपी से बसें आने की उम्मीद थी वो अभी तक यूपी से बस नहीं आई है, तो ये कहीं ना कहीं यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी सुरेंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया।